शोबिस से जुड़े अदाकार और अदाकाराओं को रमजान ट्रांसमिशन को होस्ट करने से रोका जाए। पंजाब असेंबली में MPA मौलाना मुआविया आजम की तरफ से एक करारदाद पेश की गई, जिसे 2 मई 2019 को पास किया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नजर रखने वाले इदारे पेम्ब्रा को सख्ती से पाबंद किया गया है कि वो TV चैनल्स को पाबंद करे कि शोबिस से जुड़ी अदाकाराओं को रमजान ट्रांसमिशन को होस्ट करने से रोका जाए। माह रमजान एक बाबरकत महीना है और नाच गाने को फरोग देने वाले लोग इस महीने रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन करते हैं और जो लोग दीन से वाबस्ता हैं उनको मौका नहीं मिलता। इस करारदाद में वफाकी हुकूमत से सिफारिश की गई है कि रमजान ट्रांसमिशन की मेजबानी उलमाए किराम से करवाई जाए और रमजान के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। इस करारदाद के बाद अवाम और फनकार बरादरी की जानिब से रद्द अमल आना भी शुरू हो चुका है। किसी ने फैसले का एहतराम किया तो किसी ने कहा कि अगर कोई नेकी का काम करना चाहता है तो उसे क्यूँ रोका गया है, जबकि मीडिया से मुंसलिक लोगों का ये कहना है कि ये फैसला उस वक्त हुआ जब सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन की कुछ रिकॉर्डिंग हो भी चुकी है। फनकारों ने इस करारदाद से मुतल्लिक ये कहा कि ये नाइंसाफी है और उन्हें इस करारदाद पर ताज्जुब हुआ है, जबकि अवामी रद्दअमल और सोशल मीडिया पर बहस भी जारी है। कुछ तो इस फैसले से बहुत खुश हैं और कहते हैं कि ऐसे फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे और इसके अलावा उन ड्रामास और फिल्म्स के साथ साथ उन इश्तेहारों पर भी पाबंदी लगाई जाए जो हमारी माशरती रवायात के बरक्स हैं। जबकि कुछ लोग इस करारदाद को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी करार दे रहे हैं। पेम्ब्रा का ये कहना है कि अभी बाजाब्ता कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ है, अगर ऐसा कोई भी हिदायतनामा जारी हुआ तो अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मीडिया बॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहें।